हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ ही प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद मनोहर लाल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। खबर है कि मनोहर लाल खट्टर आज ही सरकार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इधर जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने भी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। हरियाणा के सियासी घटनाक्रम पर ज्यादा बात करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता कुलवीर दीवान। कुलवीर, ये बताइए कि क्या हालात हैं इस वक्त हरियाणा में सरकार को बनाए जाने को लेकर? देखिए, हरियाणा में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है और ये ऐलान जो है वो हो चुका था रात, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके लिए पर्यवेक्षक जो रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो उनकी टीम है पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो इस मीटिंग में शामिल होने वाली है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे उनमें डॉक्टर अनिल जैन हों, मनोहर लाल खट्टर हों, सुभाष बराला हों, तो ये तमाम चेहरे जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 40 विधायक जो हैं वो चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर सूचना यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाकर राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। क्या लगता है आपको कि कौन पद किसको क्या मिल सकता है, कौन सा मंत्रालय किसको मिल सकता है, क्या कुछ उम्मीद है आपको कुछ? देखिए, 8 ऐसे मंत्री थे पिछली सरकार में जो हार चुके हैं, लिहाजा अब जो चेहरा मोरा होगा सरकार का इतना तो तय है कि पूरा बदला होगा। अब वरिष्ठता के हिसाब से यदि देखा जाए तो कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको इस बार जिनका जो नंबर जो है वो लग सकता है, क्योंकि 8 मंत्री जो है वो हारे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। यदि मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो महज ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बाकी है। नाम जो है वो पहले से तय था, क्योंकि मुख्य मनोहर लाल खट्टर के नाम पर ये चुनाव जो है वो लड़ा गया है, उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार रखकर ये चुनाव जो है वो लड़ा गया है। और जिस तरह की तैयारी यहाँ पर मीटिंग के लिए की गई है, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेताओं के कटआउट्स जो है वो लगाए गए हैं, और उन्हीं में मनोहर लाल खट्टर का कटआउट भी लगाया गया है, और बहुत सारे विधायक जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी पूर्ण तौर पर आस्था जो है मुख्य मनोहर लाल खट्टर में ही दिखा रहे हैं, जैसे हमने बात की यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं विधायक का। तो ऐसे में तस्वीर जो है वो लगभग साफ है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए मनोहर लाल फिर एक बार चेहरा होंगे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से। लेकिन यदि उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो जो पद है वो जननायक जनता पार्टी के खाते में गया है, उसमें अब यही तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला की जगह अब नैना चौटाला जो कि उनकी माता हैं वो उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ये बताइए कि बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है इसमें कितनी स्थिरता देखते हैं आप, कितनी स्थिर रह पाएगी ये सरकार? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और INLD, इनका पहले भी गठबंधन जो है वो हरियाणा में रहा है, और जो जननायक जनता पार्टी है वो INLD से ही टूटकर बनी है। और यदि पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो INLD के जो बड़े नेता थे, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, देवीलाल की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी नज़दीकी रिश्ते जो हैं वो रहे हैं। हालांकि INLD से अब अलग छिटक कर जननायक जनता पार्टी जो कि अब अजय सिंह चौटाला जो उनके बड़े भाई हैं जेल में हैं, हालांकि लेकिन उनकी अगुवाई में ये पार्टी जो है वो चल रही है, और इसकी पूरी कमान फिलहाल दुष्यंत चौटाला के हाथ में है। और दुष्यंत चौटाला यदि बात करें इस जननायक जनता पार्टी की, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समीकरण जो है या तालमेल कहें बेहतर बैठ पाए, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते भी हैं, और इससे पहले जो INLD थी उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी श्रोमणी अकाली दल है, और जननायक जनता पार्टी और INLO
दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में संभावना यही एक जताई जा रही है कि नई पार्टी है जननायक जनता पार्टी, हो सकता है कि एक अच्छा तालमेल जो है वो लोगों को सत्ता के रूप में देखने को मिले दोनों पार्टियों के बीच में। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे समय समय पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो हरियाणा में सरकार बनाने का सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा की सत्ता संभालेगी। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर साफ हो गई। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की तस्वीर साफ की। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा जबकि उप मुख्यमंत्री पद जेजेपी को मिलेगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे। वहीं जेजेपी विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य के हित में ये फैसला लिया है। अमित शाह जी का, नड्डा जी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेटिव बोर्ड ने, सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए आज स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए ताकि स्थायित्व सरकार को मिले। और स्वाभाविक रूप से जैसा हरियाणा का इतिहास है, हम लोग पहले भी एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, गठबंधन भी हम लोगों ने किए हैं, समर्थन भी किए हैं, सरकार चलाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती हैं जबकि जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। 7 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है।